दोस्तों गैप डाउन एंड गैप अप स्ट्रेटजी का मैंने कम से कम 20 से 25 बार इसका टेस्ट किया है एंड मैं इसमें 70% प्रॉफिटेबल रहा हूँ स्ट्रेटजी को टेस्ट करने में। तो ये एक टाटा पावर का शेयर लेते हैं हम और मैं आपको, आप जिस भी आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं उसमें चेक कर लेना क्या ये स्ट्रेटजी कितना वर्क कर रही है। तो चलते हैं इसके चार्ट को रीड करते हैं। थोड़ा सा लंबी वीडियो होने वाली है दोस्तों ये, पर एक स्ट्रेटजी एक सेटअप के ऊपर हो सकती है। तो देख सकते हैं आप, ये इसका पिछला ट्रेंड आप देख सकते हैं अप ट्रेंड रहा है एंड उसके बाद जिसने बाइंग की थी उसके बाद उनके एसएल हंट किए गए हैं मार्केट के द्वारा। हल्का साइडवेज है पर डाउन ट्रेंड है, देख से अब तक कितना डाउन है। ये बहुत छोटा, ये सेटअप वर्क 4 से 5 रुपये पर गैप अप गैप डाउन खोलेगा मार्केट जब बहुत सही तरीके से वर्क करता है। एंड आगे चलते हैं, जिन्होंने बाइंग की थी गैप अप खोल के मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। आप देख सकते हैं बीच में साइडवेज के बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड परफॉर्म कर रहा है पर यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला है। ये स्टॉक की स्ट्रेटजी है दोस्तों, बंडो इंटरडे की ही स्ट्रेटजी है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी बायर्स आए हैं उसके बाद सेलिंग हुई है और धीमे धीमे मार्केट साइडवेज होकर नीचे गया है। मैं आपको पूरा चार्ट समझा सकता हूँ ऐसे ही करके, देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा गैप अप उसके बाद सेलिंग आई है एंड उसके बाद जो पिछले स्टॉप लॉस थे जैसे कि स्विंग ट्रेड करते हैं लोग एंड BTST करते हैं थोड़े टाइम के लिए होल्ड करते हैं उनके SL पड़े हुए हैं यहाँ पर नीचे, उसको खाने के लिए मार्केट ऊपर गया है। मार्केट पिछले ट्रेंड के हिसाब से चलता है। और आगे करके देखते हैं, देखो साफ सेलिंग हुई यहाँ से, जितनी बार भी बायर्स आए एंड गैप अप खोलने के बाद देखो 4 से 5 रुपये का इसमें गैप अप है एंड उसके बाद एक सेलिंग आई है। ज़्यादा नहीं, ये सेलिंग आप देख सकते हैं 10 से 15 रुपये की सेलिंग आई है एंड उसके सेकंड डे भी मार्केट गैप अप खोल के सेलिंग की है मार्केट ने। गैप अप गैप डाउन का यही अंतर, और थर्ड डे भी आप देख सकते हैं थर्ड डे भी सेम परफॉर्म किया मार्केट ने, गैप अप खोल के सबके SL हंट किए हैं। ये गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी आप अपने स्टॉक में देखना, जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करते हो। ये वनडे इंटरडे की स्ट्रेटजी है दोस्तों मेरे तरफ से, मैंने ये देखा तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। कभी मौका मिलेगा तो लाइव ट्रेड करके बताऊंगा, जिस दिन गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होगा। आप देख सकते हो कितनी सेलिंग हुई है यहाँ तक, बहुत ही नीचे तक सेलिंग हुई है। टाटा पावर भी नहीं, आप कोई सा भी स्टॉक पकड़ सकते हैं, एक गैप अप खोलने के बाद एक सेलिंग आप यहाँ देख सकते हैं एंड उसके बाद एक बाइंग आई है गैप अप खोलने के बाद, उसके बाद फिर साइडवेज होने के बाद मार्केट नीचे चला गया। मैं बस आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 4 से 5 रुपये का अगर गैप अप गैप डाउन है तब ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा वर्क करेगी। मैं 2 से 3 रुपये 4 से 3 रुपये ऐसे नहीं बता रहा हूँ, एक सेलिंग देख सकते हैं आप गैप अप होने के बाद एंड उसके बाद मार्केट जब ओपन हुआ है तो साफ बाइंग आई है, क्योंकि जिन्होंने
सेल किया था, उनके एसएल ऊपर पड़े हुए हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं एक और, जब मार्केट बाइंग करने के बाद रुका, उसके बाद एक सेलिंग देखने को मिली जो वनडे की ट्रेड में जिन्होंने बाइंग की सोचा, मार्केट ने एक शार्प सेलिंग गैप अप के बाद किसी ने बल्क में सेलिंग किया एंड उसके बाद मार्केट नीचे गिरा है। अब एक साइडवेज मार्केट चल रहा है पूरा। मैं पूरा चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ आज तक का, जो आज का भी है मैंने उसको भी इसमें ऐड कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, एक साइडवेज मार्केट एंड उसके बाद मार्केट ने गैप अप खोला, 5 से 7 रुपये ही गैप अप होगा या उससे ज़्यादा भी होगा, ये आज का ही है। और उसके बाद देखो शार्प सेलिंग, ये बल्क में सेलिंग करते हैं ऑपरेटर लोग, जब भी ये गैप अप, ये थोड़ा सा भी आप गैप देखने को मिल रहा है वो उनके ही कारण है, जब बल्क में सेलिंग होती है तब। दोस्तों इसको बैक टेस्ट करना है आपको, कम से कम 60 बार इसको बैक टेस्ट करना है, उसके बाद आपने इसकी एक्यूरेसी देखना है कि ये कितना बार वर्क कर रहा है कितना बार नहीं कर रहा है, एंड उसके बाद ही आप इसको ट्रेड करना। लेकिन डिसिप्लिन, रिक्स मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन सब को ध्यान में रख के करना, क्योंकि ट्रेडिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है।